अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी का आगाज करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बेक रोल की रेसिपी। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 4 टेबलस्पून ऑयल, 1 एग और यीस्ट चाहिए। नीम गर्म पानी में मैंने इसे मिक्स करके रख दिया है, 1/4 कप पानी है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। ऑयल ये बाकी की चीजें जब आपको बता देते हैं। ये 1 एग रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इनको ऐसे मिक्स करने कि इनके क्रंच से बन जाए। क्रंच बनने के बाद फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे जो कि मैंने यीस्ट डाल के रखा हुआ है। यीस्ट डालते वक्त एक चीज का ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। ऐड कर दूंगी। देखें मेरी यीस्ट राइज हो चुकी है, आपकी भी ऐसे ही होनी चाहिए। अब मैं डो रेडी करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। स्टेज पे आके मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी इसमें। इस तरह आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट यूं ही करना है, जिसकी वजह से ये आपकी बहुत सॉफ्ट डो रेडी है। डो देखिए हमारी रेडी है और ऐसी होनी चाहिए कि आप उंगली लगाएं वो वापस अपनी हालत में आ जाए। कैसी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब मैं बाउल में थोड़ा सा इसे ग्रीस करूंगी ऑयल से। थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याज, थोड़े ऐसे रस्ते लाइट ब्राउन से होंगे, मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करती हूँ। मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, मीडियम साइज की। ये ऑप्शनल है, अगर आपने कर दिया तो आप करें। मेरी फैमिली में शिमला मिर्च को खान के ऐड करें, दो चीज़ें ऐड करें। थ्री टेबल स्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें सॉस जाएगा और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। और आप इसी तेल से मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी जो सूप आता है, उसको मैंने बॉयल करके मैंने चिकन में मैंने डाली थी। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाली थी, 1 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली थी ब्लैक पेपर। ये डाल के मैंने इसे बॉयल करके ऐड कर दी। अब मैं इसमें 1/4 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ और मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये थिक नहीं हो जाए। अब आप इसकी देखने शक्ल ऐसी ही होनी चाहिए। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए डिश आउट करूंगी। ठंडा होता है उसी देर में मैं बेक रोल की जो है वो भेज देती हूँ। वो देखिए हमारी मशीन से राइस हो चुकी है। कितनी अच्छी मशीन है, सॉफ्ट है। थोड़ा सा मैदा टेस्ट करेंगे। इसको
रोल गप्पे गप्पे से रखते हैं। और इन्हें आपने बेकिंग ट्रे में रखने के बाद 30 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है, ये राइज हो जाए, फिर इन्हें आपने ओवन में रखना है। जब 20 मिनट्स मैंने इन्हें रखा था, अब मैं अंडर ब्रश करके पैक ब्रश करके इन्हें मैं ओवन में रखने लगी हूँ बेकिंग ओवन में। हेड से कलर ये है कि अच्छा आएगा, शाइनी शाइनी आएगा। वैसे मैं 20 मिनट्स रखूंगी, ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है। चलिए, ये मैंने ओवन से निकाले हैं, वो इनका कलर चेक करें, ऊपर से भी देखें और ये नीचे से देखें इनका कलर, ये कितने अच्छा इनका कलर आया। और अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ, देखते मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए इसकी फिलिंग अंदर तक से, माशाल्लाह बहुत ही मजे के लग रहे हैं। मेरा रोजाना तो मैं आपको ट्राई करके दिखाती, टेस्ट करती। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।